देखो यार, मैंने ना दोनों टाइप के स्टूडेंट्स देखे हैं। मैंने उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है जो कि आज एम्स के अंदर बैठे हैं नीट क्रैक करने के बाद। मैंने उन स्टूडेंट्स को भी देखा हुआ है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस था ना, वो पता है क्या था कि ये जो स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनको टाइम टेबल बनाने की कला आती थी। इनको ये पता था कि टाइम टेबल बनाते कैसे हैं और उसको फॉलो कैसे करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आई होप कि आप मुझे जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। मैं पिछले दो साल से कई हजारों जेई नीट एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं, उनको पढ़ा भी चुका हूं और कई सारे स्टूडेंट्स की मदद लेकर और उनको मदद करके उनका सिलेक्शन भी करवा चुका हूं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के ऊपर। अब देखो यार, एक टाइम टेबल मैं पहले ही बता देता हूं, आज मैं तुम्हें कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं देने वाला कि यही है जो तुम्हें फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं। आज मैं तुम्हें टाइम टेबल बनाने की कला सिखाने वाला हूं। अगर तुम स्कूल जाते हो, साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए एक अलग टाइम टेबल बनाएंगे, और अगर तुम डमी स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए एक अलग टाइम टेबल बनाएंगे एक ही वीडियो के अंदर। बट उससे पहले, अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जो कि इसी साल पेपर देने वाले हो, तुम्हारे पेपर में एक डेढ़ महीना बचा है और अगर तुम ये फिर भी वीडियो देख रहे हो, तो मैं बता देता हूँ ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आखिरी के समय पर टाइम टेबल बनाया नहीं जाता। आखिरी के समय पर क्या करना होता है? आखिरी के समय पर डेली टारगेट्स लिखने होते हैं। हर रोज सुबह तुम उठो और खुद से पूछो, आज मुझे क्या 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 पढ़ना है, उनको लिखो और उनको पूरा करो। टाइम टेबल मत बनाओ। लास्ट के टाइम पे अगर टाइम टेबल बनाओगे तो डीमोटिवेट होगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अगले साल देने वाले हैं, 2024 में देने वाले हैं या फिर 2025 में देने वाले हैं। ठीक है, डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से अब देखते हैं टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। अब देखो, टाइम टेबल ना एक ऐसी चीज है, जैसे कि आप एक घर में कुछ खाना बनाए, खाने बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं ना, पहले कुछ मसाले वसाले डालने पड़ते हैं, तो सिमिलरली हमें भी मसाले डालने पड़ेंगे। मसाले क्या है? मसाले हमारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमें हमारी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, ध्यान से सुन। देखिए यार, प्रायोरिटीज सेट करने से मेरा क्या मतलब है कि हमें यह पता करना होगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है। ये कैसे पता चले? यार देखो, ये सबके लिए अलग अलग होता है, ये तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा। तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने एक आइडियल नीट एस्पिरेंट, मैंने कई नीट एस्पिरेंट से बात करी है, तो एक आइडियल नीट एस्पिरेंट के लिए बता दिया है कि सबसे ज्यादा कमजोर नीट एस्पिरेंट्स की होती है फिजिक्स, उसके बाद होती है केमिस्ट्री, सबसे आसान होने लगती है बायोलॉजी, है ना। ये एक आइडियल का मैंने बनाया, तुम्हारे लिए शायद अलग भी हो सकता है, वो अपने ऊपर, तुम सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारा वीक है ना, उसे हमें सबसे ज्यादा टाइम देना है। अब बच्चे पता है कहां गलती करते हैं? स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भैया मेरे को ना बायोलॉजी बहुत पसंद है, तो दिन दिन भर बायोलॉजी पढ़े जा रहे हैं। बट यार एक चीज याद रखना, सिलेक्शन एक सब्जेक्ट से नहीं होगा। अगर तुम्हें 650 प्लस का स्कोर लाना है, 700 का स्कोर लाना है, तो याद रखना कि तीनों सब्जेक्ट को बराबरी में लेके चलना पड़ेगा, वरना सिलेक्शन तो निकल गया। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या करा है, मैंने ये बोला है जो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको मैं अपने दिन का 50% टाइम दूंगा। कितना? 50%। जो सेकंड वीकेस्ट है उसको 30 और लास्ट वाले को 20। अब बायोलॉजी इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना कि अगर तुम डेली उसे केवल अपने दिन का 20% भी दोगे ना, तो भी हो जाएगी वो। बहुत सिंपल, अभी समझाता हूँ कैसे। देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भैया पढ़ना कितने घंटे? अभी टाइम टेबल दिखाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। पहले बात करते हैं पढ़ना कितने घंटे आखिर। भैया 12 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे, बताओ कितने घंटे पढ़ना है। देखो यार, मैं यहाँ पर एक रियलिस्टिक अप्रोच बताने बैठा हूँ। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलने बैठा, मैं मोटिवेट करने नहीं बैठा, मैं एक थोड़ा रियल आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। ठीक है, तो रियल सिनेरियो क्या है, अगर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, स्कूल भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो और पढ़ाई कर रहे हो, तो रियली मैं बोल रहा हूँ, रियली मैं, तुम्हें डेली 4 आवर सेल्फ स्टडी करनी है। ये रियलिस्टिक बोला है मैंने, रियलिस्टिक की इतना तो होना ही चाहिए। अगर तुम स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो और उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटे निकालो, कहीं से भी निकालो, मुझे नहीं पता, निकलना चाहिए। दूसरी चीज, अगर तुम डमी वाले स्टूडेंट हो, केवल कोचिंग जाते हो, तो आपको मिनिमम निकालने हैं 7 घंटे की सेल्फ स्टडी। अगर आप इतना करने को तैयार हो, तो क्या भैया सिलेक्शन हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। फिर भैया बच्चे क्यों नहीं कर पाते सिलेक्शन, वो तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं। अरे नहीं पढ़ता कोई 12 घंटे, वो बोलने की बात होती है 12 घंटे, और वो 12 घंटे तब पढ़ते हैं जब एग्जाम में 2 महीने बच्चे होते हैं, तब पढ़ रहे होते हैं वो 12 घंटे, समझ गए। तो अगर तुम्हारे पास 1 साल है, 2 साल है, अगर तुम इसको फॉलो कर लोगे ना, मैं बता रहा हूं यार, कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। पर बच्चे इसको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, अभी दिखाता हूं। अब देखो, एक आइडियल टाइम टेबल के ऊपर बढ़ते हैं। आइडियल टाइम टेबल क्या है? आइडियल टाइम टेबल, एक मिनट दिखा देते हैं। आइडियल टाइम टेबल हमारा है स्कूल गोइंग और डमी वालों के लिए अलग अलग। स्कूल गोइंग का क्या है? देखो, स्कूल गोइंग के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि 8 से 2 बजे तक आपका स्कूल होता है, इतना ही चलता है सभी, इससे बड़ा स्कूल तो कहीं जाते नहीं होंगे, इतना ही चलता है। उसके अलावा तुम्हारी 4 से 8 का ट्यूशन है, मतलब कोचिंग है, जहां पर भी तुम जाते हो, किसी में तुमने ऑनलाइन बैच ले रखा होगा, तो 4 घंटे का तो ऑनलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन बैच होते ही, आपको पता ही है। तो अब देखो, हम दिन में से टाइम कब निकालेंगे, देखना बहुत ध्यान से, देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मुझे 4 घंटे निकालने हैं। अब मैं 4 घंटे कहां पर निकालूंगा? सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्कूल से आ रहे हो 2 बजे,
दो से चार में दो घंटे पढ़ते हैं, उसमें से एक घंटे में तुमने खाना खाया, तुमने नैप ले लिया, नैप क्या होता है छोटी नींद, 30 मिनट तुम सो गए, बट फिर भी एक घंटा बचता है, उस एक घंटे में क्या करोगे, उस एक घंटे में पढ़ाई करेंगे। तो जो बीच का जो दो घंटा है उसमें से वन आवर तो हम वहां निकाल लेंगे। उसके अलावा जैसे ही तुम कोचिंग से घर आते हो या फिर जैसे ही तुम ऑनलाइन क्लासेस खत्म करते हो, तो तुमने 9 बजे तक खाना वाना खाया और 9 बजे के बाद 9 से 12 कॉन्टिन्यूस बैठो और लगातार पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा 3 घंटे लगातार पढ़ो, इसका मतलब है एक एक घंटे 5-5 मिनट का ब्रेक ले लेके पढ़ो। और पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना है आपका पहले वो वीकेस्ट सब्जेक्ट जिसको हमें दिन का सबसे ज्यादा टाइम देना है, याद है ना, फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायोलॉजी। उस अकॉर्डिंग वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, वो तो मैंने आपको एज एग्जांपल बताया। तो याद रखना करना क्या है, ऐसे हमारे 4 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए। अब 1 घंटा और बचता है, भैया कौन सा घंटा, 12 से 1 का, क्योंकि तुम 1 बजे सोते हो गए, अगर तुम्हें 7 बजे सुबह उठना है तो 6-7 घंटे तुम सोते हो, उससे ज्यादा तो कोई सोता नहीं है, और अगर सो रहे हो 6-7 घंटे से ऊपर तो बंद कर दो, तो बंद कर दो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना 12 से 1 क्या करेंगे, देखो जो हमारा रात का 1 घंटा होता है ना आखिरी का, उसको हमेशा खाली छोड़ना। ये क्या बोल रहे हो भैया, हाँ ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको हम बोलते हैं वन आर स्ट्रेटजी। वन आर स्ट्रेटजी ये बोलती है ना कि रात को सोने से पहले का जो 1 घंटा है ना उसको हमेशा खाली छोड़ दो, क्योंकि उस समय पर तुम एक तो प्लानिंग करोगे अगले दिन की, और दूसरी चीज जो तुम्हारे दिन में जो तुम्हारे खुद को टारगेट्स दिए थे ना कि आज मैं डीपीपी करूंगा फिजिक्स की, वो कुछ डीपीपी जो बची हुई है वो तुम आखिरी के घंटे में कर लोगे। तो वन आवर स्ट्रेटजी पता है क्यों है, ताकि तुम वो जो तुम्हें रिग्रेट होता है ना रात को टाइम टेबल फॉलो ना करने के बाद डर लगता है, कहते हैं कि और शिट यार आज भी नहीं हो पाया, शिट यार आज भी नहीं कर पाया, वो रिग्रेट, उस रिग्रेट को निकालने के लिए वन आवर स्ट्रेटजी होती है। लास्ट का 1 घंटा खाली छोड़ना है हमेशा, हर रोज रात को सोने से पहले 1 घंटा बचा हुआ काम उसके अंदर करना है, कल की प्लानिंग करनी है, याद रखना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब डमी वालों की बात कर देते हैं, देखो डमी वालों का बहुत सिंपल सा है, 7 घंटे निकालने, इस 7 घंटे में से एटलीस्ट 5 घंटे तुम कोचिंग जाने से पहले निकालो। क्यों, जितना ज्यादा सुबह पढ़ोगे ना डे लाइट के अंदर, डे लाइट समझते हो ना, डे लाइट के अंदर जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फिनोमिना है। तो याद रखना अपनी कोचिंग जाने से पहले 5 घंटे पढ़ लेना, कहीं से भी निकालो समय, मुझे नहीं पता, और कोचिंग से आने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ लेना। अगर आपने 5:2 में आप चल दिए ना, अगर आप इस रेशियो में चल दिए, ऑटोमेटिकली देखो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया यार स्कूल भी जाते हैं कोचिंग भी जाते हैं थक जाते हैं भैया, नहीं हो पाता 4 घंटे तो नहीं हो पाता भैया, 7 घंटे भैया डमी वाले कैसे कर लेंगे, 7 घंटे बहुत ज्यादा होता है। देख यार रियलिटी बताता हूँ, सुन मेरी बात, पिछले साल भी मेरे कई स्टूडेंट्स थे जो कि स्कूल गए हैं, ऑनलाइन बैच में भी थे, और उसके बाद सिलेक्शन भी हो रखा है मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठे, कैसे कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें करना है। मैंने पूछा कि भाई स्कूल के दौरान भी कैसे किया, तो उन्होंने सिंपल सी एक लाइन बोली, भैया देखो जब भी हम स्कूल जाते थे ना तो या तो हम वहां पर हमारे मॉड्यूल्स डीपीपीस को लेके जाते थे और वहां बैठ के भी सॉल्व करते थे, या फिर हम कभी कभार स्कूल को ही मिस कर देते थे, मतलब वीक में 2-3 दिन स्कूल जाते थे बाकी दिन नहीं जाते थे, बाकी दिन हम घर बैठ के पढ़ाई करते थे। क्यों, क्योंकि भैया हमें सिलेक्शन लेना था, सेक्रीफाइस मांगती है जंग यार, ये जंग है, इधर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन। और एक चीज याद रखना, मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि यार अगर तुम्हें नीट की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, प्लीज यार स्कूल जाना बंद कर दो, डमी ले लो प्लीज यार, क्योंकि तुम फिर बाद में ड्रॉप लोगे, क्योंकि स्कूल के साथ करना मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा डमी ले लेना, बट फिर भी अगर स्कूल जाते हो तो टाइम चुराना पड़ेगा, बीच बीच में से, बीच में आपका गेम्स का पीरियड है, गेम्स के पीरियड में किताबें लेके बैठो, तब है मजा, तब है मजा। और याद रखना डमी वाले स्टूडेंट्स, डमी जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है, तुम्हें अभी तक समझ आ गया होगा, पता है क्यों, क्योंकि डमी के अंदर वैसे तो टाइम बहुत होता है, बट टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम बहुत होता है। बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे लगे हैं, यूट्यूब पे लगे हैं, तो याद रखना कि टाइम खराब नहीं करना है हमें, टाइम खराब नहीं करना है हमें, टाइम को यूटिलाइज करना है 7 घंटे हर रोज। और मैं बता देता हूं, मैं एक बार और एक वीडियो के अंदर बोला हुआ है कि एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे के बीच में केवल एक डिफरेंस होता है, जो कि है कंसिस्टेंसी। एक स्टूडेंट जिसकी अगर 11वीं खराब है और अगर वो पूरे 1 साल कंसिस्टेंसी से पढ़ लेगा ना, केवल 300 दिन अगर वो कंसिस्टेंसी से पढ़ लेगा ना, नीट में उसको सिलेक्शन है आज लिख के दे दूंगा, बट ये पढ़ेगा केवल 1% उसके, बाकी लोग नहीं पढ़े, ये रियलिटी। तो अगर तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो तो ये जंग तुम्हारे लिए है, और कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो तुम फिर उस भीड़ में बन जाओगे जो कि सेलेक्ट नहीं, डरा नहीं रहा, रियलिटी। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, आई होप कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, अगर मदद कर पाऊँ चैनल सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना मत करिए, बट अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, कोई भी आपका नीट एस्पिरेंट का जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर देना, ताकि हम किसी बच्चे की मदद कर पाएं। शुक्रिया, मेरा नाम है।